प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो आपले सर सर अब्दुल सत्तार खान या चॅनलमध्ये स्वागत आहे आपण आज दहावीची पहिली कविता तू सर्व जगाचा त्राता रे याचे वाचन घेणार आहोत त्यासोबत त्याला समजून पण घेऊ तू सर्व जगाचा त्रातारे तू सर्व जगाचा त्राता रे, रे याचे याचे लेखन चारुता प्रभुदेसाई यांनी केले आहे शिक्षिका लेखिका व कवयित्री किशोर शिक्षण संक्रमण छात्र प्रबोधन शिक्षण विवेक ओ या मासिकामधून लेखन आकाशवाणी दूरचित्रवाणी कार्यक्रमात सहभाग व लेखन तसेच विविध वृत्तपत्रातून प्रासंगिक लेखन आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका त्यांनी विविध शैक्षणिक संस्थाद्वारे आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रमामधून सहभाग घेतलेला आहे व अनेक शैक्षणिक उपक्रम केले आहेत सर्व कलामध्ये ज्याचा वास आहे अशा चरा चराचरामध्ये वसलेल्या निराकाराची केलेली ही प्रार्थना सर्व जगाचे कल्याण व्हावे सर्व विश्वाची शांती नांदावी निर्भयता यावी असे मागणे प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने मागितले आहे तू सर्व जगाचा त्राता रे ये एक नज़म है जो एक दुआ की शक्ल में पेश की गई है चारुता प्रभु देसाई की लिखी गई इस नज़्म को इस कविता को हम पढ़ेंगे तू सर्व जगह चा तू सर्व जगा चा त्राता रे तू कला बुद्धिचा दाता रे तू सर्व जगह चा त्राता रे तू कला बुद्धिचा दाता रे जाहलो लीन आमी तव तो चरणी जाहलो लीन आमी तव तो चरणी तू आमू भाग्य विधाता रे नटराज नर्तनी दिस्सी तू नटराज नर्तनी दिसि तू सुराचा ईश्वर तू नटराज नर्तनी दिस्सी तू सुराचा ईश्वर तू उधले रंग तू नभ नभांग उधिले रंग तू नभांग तू दया शांति निर्माता रे वरदान तुझे वरदान तुझे आम्हा दया कल्याणदाई सर्वभा वरदान तुझे आमादेवे कल्याणदायी सर्वाभाव वसशील आमुचा मनी तव तो कृपा छत्र छत्रधरी आतारे तव तो कृपा छत्रधरी दे शक्ति आमा संकट दे देशक्ति आमा समयी, निर्भयता वसुदे या हृदयी दे शक्ति आमहा संकट समयी निर्भयता वसुधे यार प्रार्थना हीच अंतरयामी तुजला विश्वाचा नाथा रही अब इसका मतलब हम समझने वाले हैं तू सर्व जगा त्राता रही तू कला बुद्धिचा दाता रे अब इसके अल्फाज के मायने समझने की कोशिश कीजिए त्राता के मायने होते हैं तारन हार आपकी हिफाजत करने वाला दाता दान देने वाला जाहलो जाहलो ये पुरानी जबान का लफ्ज़ है जिसे आज हम झालो के नाम से इस्तेमाल करते हैं लीन नम्र नतमस्तक यानी बहुत ही ज़्यादा जो रहम दिल होता है तव तुझा यानि तेरे चरनी चरनी यानि चरनों में पायश यानी पा, पैरों के करीब आमूचा यानी हमारा भाग्य विधाता ये खुदा के लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ज़िंदगी देने वाला नटराज नटराज के मायने ये जो नृत्य करता है यानी रक़ करता है उसे कहा गया है नर्तनी नृत्य करना रहा नाच तानना यानी जो रक्स कर रहा है नाच रहा है गायनी गाने में गाने के बोल के साथ जिसके अल्फाज अदा होते हैं सुरांचा सुहराचा यानी जिसमें सुर और ताल मिलती है नभांगनी आ यानी नभ आसमान को कहते हैं नभांगनी आकाशा मध्य यानी आसमान में अवकाशात दया यानी करुणा रहमदिली निर्माता निर्माण करनारा, यानी बनाने वाला वरदान यानी कृपा रहमदिली आशीर्वाद कल्याणदायी हित करनारा अच्छा सोचने वाला वशशील यानी रहने वाला नित्य यानी हमेशा जो बाकी रहता है छत्र निवारा सावली छत धरी यानी घर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है धर संकट समय संकटाचा वेड़ी यानी मुश्किल वक्त में निर्भयता वो ना घाबरने यानी कभी घबराना नहीं अंतरमयी अंतर्यामी यानी मनात यानी दिल में